बारा जिले के तत्वावधान में आयोजित आदर्श विद्या मंदिर केलखेड़ी छिपा बड़ौद में सप्त दिवसीय नवीन आचार्य दिशा बोध वर्ग का आज उद्घाटन सत्र में अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन मां सरस्वती के मंगलाचरण के साथ हुआ। वर्ग संयोजक हरि सिंह गोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्या मंदिर भारतीय शिक्षा संस्थान बारा जिले के तत्वावधान में आयोजित सप्त दिवसीय नवीन आचार्य वर्ग का आज उद्घाटन सत्र रहा, जिसमें मुख्य अतिथि दिनेश भार्गव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चीवा बड़ौद एवं विशिष्ट अतिथि निरंजन शर्मा भोला मौजूद रहे। वहीं मुख्य वक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा, विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत मंत्री रहे। सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव जगदीश नागर, प्रधानाचार्य जोधराज नागर, छबड़ा प्रधानाचार्य अमृतलाल मीणा ने किया। मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिनेश भार्गव ने बताया कि भारत में शिक्षा प्रणाली, जो आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली आधुनिक छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उत्पाद शिक्षा दी जाती है, विद्या भारती पंचकोश आधारित शिक्षा देती है, वह संपूर्ण देश भर में एक ही जैसे हैं। इन विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा गुरुकुल आधारित शिक्षा, जो बालकों में शिक्षा और संस्कार के भाव के साथ साथ सेवा भाव भी पुष्ट करती है। बिना संस्कार के बलशाली विवेक हो जाता है, समाज को उसका लाभ नहीं मिल पाता। संस्कार ही बलवान युवक की राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। विद्या भारती के वाक्य को लेकर आज ये प्रशिक्षण वर्ग यहाँ आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से कोई इमारत बनती है वो गलत हो जाती है, उसको तोड़ के दोबारा बनाया जा सकता है, पर यदि कोई बालक अपनी गलत शिक्षा और गलत राह पे निकल पड़ा, उसको मोड़ना बहुत मुश्किल है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।